हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द यमी डिलाइट्स। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ बटर चिकन बिरयानी की रेसिपी। बटर चिकन जितना टेस्टी होता है, बटर चिकन बिरयानी भी उतनी ही टेस्टी बनती है। अगर आप नॉर्मल बिरयानी खा के बोर हो चुके हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इसे बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है। इसमें डालें 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 कप दही। दही अगर थोड़ी गाढ़ी है या थिक है तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही यहाँ पर मैं मसाला पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, तंदूरी चिकन मसाला, आप चाहें तो सादा चिकन मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये इसे एक बहुत ही अच्छा कलर देगा। तो हो सके तो नॉर्मल रेड चिली पाउडर की जगह कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ही यूज़ करें। और फाइनली 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल इसे ऑथेंटिक बटर चिकन वाला फ्लेवर देगा। तो अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और इसे हम मैरिनेट होने के लिए करीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप इसे थोड़ी ज़्यादा देर तक मैरिनेट होने के लिए भी छोड़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर ये मैरिनेट होगा उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। बटर चिकन ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप पानी को उबालने के लिए रख दिया है। इसमें डाले करीबन 10 कलियाँ लहसुन की, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे मैंने रफली काट लिया है, 1 छोटा प्याज, साबुत खड़े मसाले में मैंने लिया है तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 काजू। ये 5 बड़े टमाटर हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप करके लिया है। और फाइनली 2 चम्मच बटर, ये अनसॉल्टेड बटर मैंने लिया है, आप चाहें तो सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम ढककर करीबन 15 मिनट के लिए हाई हीट पर कुक करेंगे। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर हमारे गल गए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसे मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो इसे हमने यहाँ पर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये हमारा ग्रेवी का पेस्ट रेडी है। अब हम इसे निकाल कर एक साइड में रख देंगे। इस बिरयानी के लिए एक सिंपल सा पाउडर हम तैयार कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर करीबन 4 छोटी इलायची ली है, 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का और 2 पत्तियाँ मैंने जावित्री की ली हैं। अब इन सबको हम क्रश करके एक पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो सेम प्रोसीजर मिक्सी में भी कर सकते हैं। मसाले थोड़े कम थे तो मैं इसे कूट कर ले रही हूँ। अब ये पाउडर रेडी है, इसे हम एक साइड में रख देंगे और जब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे तब हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम बिरयानी के लिए चावल कुक कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 6 कप पानी को उबालने के लिए रख दिया है। इसमें नमक डाल दें। खड़े मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी, चक्रफूल, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप सोख किया हुआ बासमती राइस। बासमती चावल को अच्छे से धोने के बाद इसे करीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। आधे घंटे के बाद इसका पानी ड्रेन कर दें और इसे हम सीधे इसमें डाल देंगे। अब इसे एक बार इस तरह से स्टर कर लें। करीबन 5 मिनट के बाद पानी फिर से उबलने लग जाएगा। ये देखिए, तो अब एक राइस ग्रेन को लेकर के चेक कर लें कि ये पका है या नहीं। तो इसे हम जैसे ही दबाएंगे ये स्प्लिट होगा। याद रहे कि ये बिल्कुल भी मैश नहीं होना चाहिए। तो बस ये एकदम राइट स्टेज है। अब हम इसका जो भी पानी है एक्सेस वो ड्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी को ड्रेन कर लिया है। अब हम इसे निकाल के एक साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने करीब 3 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। अब जो मैरिनेटेड चिकन है उसे हम फ्राई कर लेंगे। जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए एकदम हाई हीट पर आपको इसमें मैरिनेटेड चिकन रखना है। ध्यान रहे मैरिनेटेड चिकन आप तभी ऐड करें जब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। ठंडे तेल या मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई ना करें। तो अब ये सारे चिकन पीसेस हमने इसमें डाल दिए हैं। इसे हम एक साइड पर ऐसे ही थोड़ी देर कुक होने देंगे। करीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसे फ्लिप करके चेक कर लें। तो ये हमने सारे चिकन पीसेस को फ्लिप कर लिया है यहाँ पर। अब हम इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक होने देंगे।
तो चिकन हमने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को एकदम लो करके करीबन 5 मिनट तक हमें ऐसे ही फ्राई करना है। बीच बीच में आप स्टर करते रहें ताकि ये जल नहीं जाए। अब बीच में हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे। इसमें हम एक बाउल रख देंगे। बाउल में मैंने थोड़ा चारकोल लिया है, इसके ऊपर हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब इसे ढककर एक साइड पर ऐसे ही रख दें। इससे जो हमारा तंदूरी चिकन है इसमें अच्छे से चारकोल का फ्लेवर भी आ जाएगा। अब एक पैन को मैंने गर्म कर लिया है, इसमें डाले 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इसे फटाफट से फ्राई कर लें। गैस की जो फ्लेम है वो लो से मीडियम के बीच में होनी चाहिए, हाई ना रख वरना मिर्च जल जाएगी। इसमें अब ग्रेवी डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढककर एक उबाल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है। अब इसमें हम चिकन पीसेस को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चिकन पीसेस ऐड कर दिए हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें। नमक ऐड करते वक्त ध्यान रहे कि हमने ऑलरेडी चिकन वक्त भी नमक डाला है और साथ ही जो राइस है उसमें भी नमक है। अब इसे हम स्टर कर लेंगे। अब इसे ढककर हमें और एक बार उबाल आने तक कुक करना है। तो ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसकी ग्रेवी को बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, वरना नीचे ग्रेवी बहुत ज़्यादा बच जाएगी और बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपको इसमें ग्रेवी ज़्यादा लग रही है तो आप इसे और थोड़ी देर तक कुक कर लें और ग्रेवी को हल्का सा रिड्यूस कर लें। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच क्रीम के। मैंने यहाँ पर दूध की मलाई को हल्का सा फेंट के लिया है। साथ ही इसके ऊपर डाल दें फ्राइड अनियंस, 1 हरी मिर्च कटी हुई, कसूरी मेथी, इसको हमने हल्का सा रोस्ट करके लिया है, और जो हमने पाउडर बनाया था स्टार्टिंग में इलायची, जावित्री और जायफल का, उसे हम ऐड कर देंगे। मैं यहाँ करीबन 1/2 छोटा चम्मच पाउडर यूज़ कर रही हूँ। सारा पाउडर एक ही बार में इस्तेमाल ना करें। साथ ही हम डाल देंगे हरी धनिया और पुदीने के पत्ते। अब इसके ऊपर हम राइस की एक लेयर लगा देंगे। अब इसके ऊपर लेयर लगा दें तले हुए प्याज, पुदीना और हरी धनिया की। साथ ही इसमें 1 चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर डाल दें, केसर वाला दूध और 2 बड़े चम्मच घी के। अगर आपने नोटिस किया हो तो चावल की लेयर बार बार ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, क्योंकि जो हीट है वो एस्केप नहीं कर पा रहा है ऊपर की परत पे। तो इसके लिए चम्मच से इस तरह से जगह बना दें ताकि ये अच्छे से इवनली कुक हो। इसे ढककर हमें करीबन 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है। तो 15 मिनट के बाद ये हमारी मज़ेदार सी बटर चिकन बिरयानी बनकर रेडी है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है, बढ़िया मसालेदार, और इसके सारे लेयर्स भी एकदम क्लियर हैं और चावल भी अच्छे से पके हैं, एकदम खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी सौगी नहीं हुए हैं। इस बिरयानी को बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये बिरयानी बनती बड़ी टेस्टी है। तो आप भी इस वीकेंड इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।